मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स में आपको दिखाएंगे इंतकाम। दो ट्रेनों में मिली छह टुकड़ों वाली लाश की छह निशानी, क्या किसी इंतकाम की कहानी सुना रही है? 50 साल के बाद बदलापुर और मर्डर की वारदात भी दिखाएंगे। छात्रा को घर में घुसकर गोली मारने वाला सनकी भी बेनकाब होगा। लेकिन सबसे पहले देखिए शादी में आए शैतान। तो 13 साल की मासूम लड़की शादी में गई, लेकिन शादी से जब वो घर लौटी तो सहमी रही। कभी चीखती है, कभी सहम जाती है, कभी बेहोश हो जाती है। ये दास्तां आपको झकझोर देगी। जंगल में नाबालिग लड़की के साथ हुआ था गैंगरेप। आखिर दरिंदे कौन? शादी में आए शैतान। हैवानों की वहशी निगाहें, जंगल में नाबालिग के साथ गैंगरेप, वो रात जो कहर बनकर टूटी, दरिंदों की दहशत, कभी हुई वो बेहोश। कभी चीखी, कभी सहमी, कभी सुनाई दी कराह। इस दर्द को सुनिए ही नहीं, महसूस कीजिए। जिस दर्द से हर पल गुजर रही है वो मासूम लड़की, जिसके दिलो दिमाग में उन दरिंदों की दहशत है, डर और खौफ इतना कि सहम जाती है वो गुड़िया, डरती है, कराहती है, जिसने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में भी किसी को कुछ नहीं बताया। दो दिन बाद जब घर वालों को बच्ची की हालत देख कुछ शक हुआ, तब हैवानियत की ये कहानी सामने आई, जिसका शिकार नाबालिग लड़की हुई थी। अंबिकापुर से करीब 10 किलोमीटर दूर नाबालिग के साथ गैंगरेप की दिल दहला देने वाली वारदात हुई। महिला थाना में अपराध क्रमांक 21/24, धारा 341, 363, 366, 376 DA और पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगी है। ऐसे दरिंदे कब किस शक्ल में कहां आ जाएं, कोई नहीं जानता। दरअसल गांव में जश्न का माहौल था, शादी थी, सब नाच रहे थे, झूम रहे थे। ये नाच गाना देखने नाबालिग लड़की भी अपनी सहेलियों के साथ गई। उसी शादी में नाच गाने के वक्त दूसरे गांव से बाइक पर दो लड़के आए, जिनकी गंदी निगाहें 13 साल की नाबालिग लड़की पर गई। शादी का जश्न खत्म हुआ, नाच गाना बंद हुआ और शुरू हुआ हैवानियत का खेल। नाबालिग लड़की अपनी सहेलियों के साथ जा रही थी, जो उन दरिंदों का पहले से टारगेट। नाबालिग लड़की को दरिंदे अपने साथ जबरदस्ती बाइक पर बैठा कर ले गए। डरी सहमी सहेलियां कुछ नहीं कर पाई। शादी का कार्यक्रम था और शादी नाचने के दौरान जो है कुछ ये जो लड़के थे, ये चारों लड़कों के द्वारा जो है वहाँ पर घटनास्थल से कुछ दूर जो जंगल था वहाँ पर ले जा करके जो है गलत काम इनके द्वारा किया गया है। 9 और 10 जून की दरमियानी रात ये वारदात हुई। नाबालिग लड़की को करीब 200 मीटर दूर जंगल में लेकर दरिंदे गए थे। दोनों हैवानों ने कॉल करके अपने दो और साथियों को बुलाया, उसके बाद सुनाई दी तो चीखें और हैवानों की बेशर्म हंसी। इसमें चार आरोपी हैं, जो दो नाबालिग हैं और दो बालिग हैं। इस प्रकरण में जो चार आरोपी थे, इन पूरे आरोपियों को पुलिस ने जो है गिरफ्तार करके इसमें रिमांड में भेजा जा रहा है। इन चार दरिंदों में दो नाबालिग लड़के भी हैं, सभी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इस वारदात से फिर वही सवाल खड़ा हुआ है, आखिर समाज में घूम रहे ऐसे दरिंदों का क्या करें? अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कहा जाता है कि मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता। दो ट्रेन में मिले महिला की लाश के छह टुकड़े, उस साइको किलर का सुराग दे रहे थे, जिस साइको किलर की तलाश पुलिस की टीम के साथ जासूस भी कर रहे हैं। दो ट्रेन ही नहीं, अब तीसरी ट्रेन की भी एंट्री हो गई। क्या छह टुकड़ों वाली लाश की ये छह निशानी उस साइको किलर का सुराग दे रही है? देखिए ऑपरेशन वो कौन थी।
तो दो टीमें हमारी ऑफिशियली है, इसके अलावा अलग से भी हमारे मुखबिरी भी हम लोग ने लगा के रखे हुए हैं। जासूस करे साइको किलर की तलाश। इंदौर उज्जैन ऋषिकेश कातिल के कितने राज। दो ट्रेन में लाश के 6 टुकड़े। तीसरी ट्रेन से भागा साइको किलर। टैटू वाले पोस्टर, सुराग मिला क्या। छह टुकड़ों वाली लाश, 6 निशानी। इन्हीं पोस्टर से 6 टुकड़ों वाली लाश की तलाश जारी है। इस पोस्टर में 6 टुकड़ों वाले लाश की 6 निशानी है और कहानी भी। जिस साइको किलर की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगी तो हैं, लेकिन अब जासूस भी हायर किए गए हैं। 6 टुकड़ों वाली लाश का एक अजब कनेक्शन भी देखिए, ये कनेक्शन जुड़ा है उज्जैन से। ये 8 तारीख को हमको नागदा महू पैसेंजर में कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले थे, जो कि ट्रॉली बैग में थे और एक आटे का जो कट्टा था उसमें था। तो उसमें बॉडी का ऊपर का पार्ट मिला था, उसके हाथ पैर नहीं मिले थे और उसमें आइडेंटिफिकेशन के ऐसे कोई बहुत हमारे को साइन नहीं मिले थे। दूसरे दिन इसका जो है बाकी का हाथ और पैर जो बॉडी पार्ट है, ये योगनगरी एक्सप्रेस चलती है लक्ष्मीबाई नगर से, ये ट्रेन चल के पहुँची ऋषिकेश। तो ऋषिकेश के जो है जो बोगी के जॉइंट्स होते हैं कपलिंग्स, उसमें एक बोरी रखी हुई थी, उस बोरी में रखे हुए मिले। उज्जैन स्टेशन का कनेक्शन का एक हिस्सा हमने आपको कल बताया था, लेकिन अब दूसरी कहानी सुनिए। प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3, जिस प्लेटफॉर्म में महू नागदा इंदौर पैसेंजर ट्रेन और उज्जैनी एक्सप्रेस खड़ी थी। इंदौर यार्ड में पैसेंजर ट्रेन में लाश का धड़ और दूसरा हिस्सा मिला। करीब 1000 किलोमीटर दूर उज्जैनी एक्सप्रेस के S1 S2 में कपलिंग वाली जगह पर लाश के हाथ और पैर मिले। झाबुआ अलीराजपुर दाहोद से जो है झाबुआ के बीच का बेल्ट है, तो इस पे हम सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जो है अपने जो सिस्टम है, हमारा जो ऐप है और हमारा जो CCTV में सिस्टम है, इसमें से इस नाम के कितने लोग की गुमशुदगी कहीं कायम हुई हो या किसी किस्म से और कोई लड़ाई झगड़े की कोई रिपोर्ट है, तो इस पे भी सर्च कर रहे हैं हम। अब फिर से उज्जैन स्टेशन चलते हैं, क्योंकि अब इस 6 टुकड़ों वाली लाश में 2 नहीं तीसरी ट्रेन की भी एंट्री हुई है। उसी दिन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर भी ठीक उसी वक्त एक और ट्रेन खड़ी थी। जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर दोनों ट्रेन जिसमें लाश के टुकड़े रखे गए थे वो खड़ी थीं, सवाल है कि क्या इसी स्टेशन पर दोनों ट्रेन में महिला की लाश के 6 टुकड़े रखे गए। सवाल यह है कि क्या साइको किलर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी ट्रेन से फरार हुआ। सर्चिंग का पॉइंट है, तो ये हम चल रहे हैं अभी नागदा में, उज्जैन में और महू के आसपास, यहाँ हम सर्च कर रहे हैं जहाँ से ये बॉडी मिलने की संभावना होगी। इसके अलावा इसमें जो है मैंने अभी जो अज्ञात आरोप पता लगाने के लिए कोई अगर सूचना देगा या कुछ हमको इन्फॉर्मेशन देगा, इसके लिए मैंने ₹10,000 के इनाम की उद्घोषणा भी जारी कर दी है। क्या मुर्दा ही अपना राज खोलेगा। मुर्दे की 6 निशानी। पहला हाथ में बना मीराबेन गोपाल भाई का टैटू। दूसरा सुराग जिस काले बैग और चावल बोरी में लाश को रखकर फेंका गया। तीसरा सुराग कत्थई गुलाबी और लाल रंग की शॉल। चौथा सुराग कान की बाली। पांचवा सुराग हाथ की चूड़ी और छठवां सुराग महिला के गले में काले रंग का सूत और सेफ्टी पिन। आखिर कत्ल किसका हुआ, वो कौन थी। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, News 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चंबल का नाम सुनते ही डाकुओं की दहशत की तस्वीर अब भी जेहन में तैरने लगती है, लेकिन चंबल में सुनाई थी 50 साल पुरानी अदावत की खूनी कहानी। 50 साल पहले कत्ल हुआ, जमीन विवाद में खूनी खेल खेला गया और 50 साल बाद फिर से फिल्माया गया बदलापुर। पचास साल पहले हुआ एक कत्ल,
50 साल से धधक रही बदले की आग, फिर सुनाई दी गोली की आवाज। चंबल में इंतकाम, दादा की हत्या का बदला। पचास साल बाद बदलापुर, उम्र महज 28 साल लेकिन अदावत और इंतकाम की कहानी। शायद बचपन से इस आरोपी ने सुनी थी। उम्र बढ़ती गई और बदले की आग भी उम्र के साथ धधकती रही। चंबल डकैतों का गवाह रहा है, लेकिन इसी चंबल में 50 साल बाद सुनाई दी बदले की हैरान करने वाली कहानी। इलाका था सांगोली गांव। 76 साल के रामाधार सिंह तोमर को सोते वक्त मौत की नींद सुला दिया गया। गोली मारकर इस आरोपी ने हत्या की थी, लेकिन आरोपी कौन है इस बात से सब अनजान थे। तिहोनिया थाना अंतर्गत 9 से 10 जून की दरमियानी रात में एक घटना होती है, उसमें एक 76 साल के व्यक्ति की गोली मार के हत्या हो जाती है। जो मर्डर है वो पूरी तरीके से ब्लाइंड रहता है, फिर पुलिस डिफरेंट एंगल पे काम करती है। सिहोनिया थाना पुलिस मृतक रामाधार सिंह तोमर की हत्या में हर एंगल पर जांच कर रही थी। इसी बीच विजेंद्र सिंह तोमर के बेटे पुष्पेंद्र सिंह तोमर की गुमशुदगी हैरान करने वाली थी। आखिर पुष्पेंद्र वारदात के बाद से क्यों लापता हुआ? मुखबिर से खबर मिली कि कट्टा लेकर पुष्पेंद्र घूम रहा है। शक के आधार पर उसे उठाया गया, पूछताछ हुई। जो खुलासा पुष्पेंद्र ने किया वो हैरान करने वाला था। पता चलता है कि गांव का एक व्यक्ति है जो संदिग्ध स्थिति में है, उसको पकड़ के पूछताछ पे उसके द्वारा बताया जाता है कि हाँ, उसने मर्डर किया है। आरोपी ने अपने दादा की हत्या का बदला लिया था। पुष्पेंद्र के दादा जय सिंह तोमर की हत्या 50 साल पहले हुई थी। मृतक रामाधार के भाई और रिश्तेदारों ने आरोपी पुष्पेंद्र के दादा जय सिंह की हत्या की थी, वो भी 50 साल पहले। उसके पीछे जो मूल वजह ये आती है कि करीब 50 साल पहले ये जो मृतक हैं रामाधार तोमर, इनके भाई और अन्य परिवार के लोगों को द्वारा गांव की एक जय सिंह तोमर की हत्या कर दी जाती है। उसका बदला लेने के लिए जय सिंह तोमर का ये नाती है, इसके द्वारा इनकी गोली मार के हत्या की गई। 9-10 तारीख को आरोपी को पकड़ लिया गया। इंतकाम में शूट आउट और 50 साल पुरानी अदावत की ये खूनी कहानी दिल दहलाने वाली है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। घर में घुसकर उस सिरफिरे ने छात्रा पर हमला किया था। छात्रा को गोली मार दी गई थी। लड़की के चेहरे पर आप भी उस सनकी की दहशत देखने को मिलती है, जिस सनकी की तलाश पिछले 3 दिनों से की जा रही थी। 3 दिन के बाद सिरफिरे को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा। इस शूटआउट में कैद है इंतकाम। इस तस्वीर ने सबके होश उड़ा दिए थे। रीवा की चाणक्यपुरी कॉलोनी में गोली की आवाज सुन सब दंग रह गए थे। 12वीं की छात्रा को घर में घुसकर गोली मारी गई थी। गोली गले में लगी। गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल लेकर आए। सवाल था कि आखिर हमलावर कौन है? क्या इस गोली में इंतकाम की कोई कहानी है? जिस तरह से वारदात हुई उससे ये भी शक था कि हो सकता है किसी जान पहचान वाले शख्स का इसमें हाथ हो, और पुलिस का ये शक सही निकला। हमलावर छात्रा के घर के बगल में रहता है। जब पता किया तो ये मालूम हुआ कि जो युवक है वो आदर्श पांडे हैं और चाराकुल नगरी में चाराकुल कॉलोनी में रहते हैं, और इनके ठीक करीब में ही उनका घर है आरोपी का। और आरोपी और जो युवती का परिवार है वो दूर परिचित हैं और उनके आपसी बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। छात्रा के घर के पास रहने वाले आदर्श पांडे ने ये वारदात की थी। आरोपी आदर्श और लड़की के परिवार के बीच घनिष्ठ संबंध है, आना जाना है। सवाल था कि क्या किसी रंजिश में ये वारदात हुई। आरोपी की तलाश में कई टीम लगी थी। इंदौर तरफ एक टीम रवाना हुई क्योंकि आरोपी वहीं पढ़ता है। कोटा जाने की भी पुलिस को खबर लगी, वहाँ भी टीम रवाना की गई। बीच में गुना में आरोपी आदर्श को पुलिस ने धर दबोचा, जिसने बताया उसने पिस्टल कहाँ छुपा कर रखी है और वारदात क्यों की। जो एक टीम गुना की तरफ गई थी, उस गुना को जो एक लीड मिली और उस लीड के आधार पर जो आरोपी है आदर्श, उसको रेलवे स्टेशन के पास में गिरफ्तार किया गया। सघन पूछताछ पर उसने जिस पिस्टल से फायर किया था
उसके बारे में जानकारी दी। पुलिस वालों को तहकीकात में ये बात भी पता चली कि आरोपी पर 9 मामले दर्ज हैं। सवाल है कि आखिर अवैध पिस्टल आरोपी ने खरीदी कहां से? पुराना इसका रिकॉर्ड भी है, करीब 9 मामले पुराने हैं, लेकिन 2019 के बाद उसने कोई घटना नहीं की है। आखिर किस बदले की ये कहानी है? पुलिस की माने तो उस सनक में ये शूट आउट हुआ। गोली चलाने का कारण अभी तक जो सामने आया है वो एक तरफा प्रेम संबंध का है, और वो बच्ची जो है उससे कुछ दिनों से बात करना बंद कर दिया था। एक तरफा प्यार और लड़की का बात करने से इनकार इंतकाम में बदल गया। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर जो उपचुनाव का ऐलान हुआ है, इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने कमलेश शाह को प्रत्याशी घोषित कर दिया। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में वो शामिल हुए हैं और उन्हें ही प्रत्याशी बीजेपी ने बना दिया है। अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है, इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, और अमरवाड़ा में जो उपचुनाव होगा तो बीजेपी ने कमलेश शाह को प्रत्याशी बना दिया है, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए और इसी वजह से उपचुनाव हो रहा है। तो अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है और कमलेश शाह को यहां से मैदान में उतार दिया गया है बीजेपी की तरफ से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अमरवाड़ा उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बेहद बड़ी खबर। उस घर का मंजर बेहद खौफनाक था जिस घर में एक फंदे पर मां और बेटी की लाश मिली। सुसाइड करने से पहले इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, आखिर किस दर्द को बयां कर रहा है यह पोस्ट? एक साल, एक परिवार, 3 सुसाइड, मौत की मिस्ट्री क्या बता रही है? सुसाइड से पहले वो आखिरी पोस्ट, एक फंदा, मां बेटी की लाश, फांसी के फंदे पर झूले अरमान, क्या डिप्रेशन में दी जान? एक साल, 3 मौत, कई सवाल। ये चहकते मुस्कुराते चेहरे, मां बेटी की सेल्फी, लेकिन एक रात में दोनों जिंदगी खामोश हो गई। एक ही फंदे पर न जाने कितने सपनों ने दम तोड़ दिया। इस घर में एक ही फंदे पर लटकी थी 38 साल की खुशबू शर्मा और उनकी बेटी 13 साल की अंतरा शर्मा की लाश। छत पर बनी जाली पर फंदा लगाया गया। धमतरी के शिव चौक इलाके से जब ये तस्वीर आई तो सब सन्न रह गए। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुबह के टाइम में एक सूचना मिली थी कि एक महिला अपने बच्चे के साथ जो है वो फांसी लगाकर फौत हो गई है। घटनास्थल पर जाया गया था और अभी जो है उनको। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों